गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीके शिवकुमार जैसे जमानत पर चल रहे कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है। ये नाम है कांग्रेस के मीडिया हेड रणदीप सिंह सुरजेवाला का। एक साल के अंदर लगातार दो चुनाव हारने वाले सुरजेवाला को गुजरात की अदालत ने एडीसी बैंक मानहानि मामले में जमानत दे दी है। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोषी ने जमानत की रकम कोर्ट में जमा कराई। अदालत से दो बार समन जारी होने के बाद हाजिर ना होने पर सुरजेवाला के खिलाफ जमानत वारंट जारी किया गया था। असल में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एडीसी बैंक को लेकर गलत बयानबाजी की थी। उसके बाद बैंक की तरफ से दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह इस बैंक के निदेशक हैं। इस मामले में राहुल गांधी कोर्ट में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। कांग्रेस के इन दोनों नेताओं ने नोटबंदी के दौरान इस बात का आरोप लगाया था कि एडीसी बैंक ने नोटबंदी के दौरान हजारों करोड़ के पुराने नोट बीजेपी को बदल कर दिए। बैंक का प्रबंधन इस झूठे बयान से नाराज हो गया और दोनों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कर दिया। बैंक का कहना है कि दोनों नेताओं ने झूठ बोलकर बैंक को बदनाम करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।